हेलो गाइस, आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से थर्ड वीडियो, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। फर्स्ट वीडियो में हमने डेमोक्रेसी के मीनिंग फीचर्स की बात करी, सेकंड वीडियो में हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करी। सर थर्ड वीडियो में और क्या जान लोगे बच्चों की? ऐसा नहीं है बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, दो मिनट की तो वीडियो होगी, तीन मिनट की है क्या? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इस टॉपिक का नाम है कि डेमोक्रेसी का बड़ा नाम क्या है, बड़ा मीनिंग क्या है। देखो भैया, हमने बोल दिया रूलर्स को इलेक्ट कर रहे हैं लोग, उसे ही हम डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। बट ये हम चूज ही क्यों कर रहे हैं? इसका दूसरा नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में यार लोग भी तो डिसीजन ले सकते हैं, लोग भी तो क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों उन्होंने अपने बिहाफ पर दूसरों को चूज किया? क्यों ऐसा करने की जरूरत पड़ी? क्या लोगों के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी? क्या लोग उतने कैपेबल नहीं थे, उतने स्किलफुल नहीं थे कि वो खुद डिसीजन ले पाए, खुद गवर्नमेंट चला पाए? क्यों जरूरत पड़ी हमें किसी रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे बिहाफ पे वहां बैठा, हमारे डिसीजन लिए, क्यों जरूरत पड़ी? भाई इसके दो प्रमुख कारण। पहला प्रमुख कारण क्या कह रहे हैं? मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। क्या कह रहा है ये यार? भैया इंडिया की जनता 140 करोड़ हो गई है, लोग मान नहीं रहे, कोविड अलग आ गया था, तो 140 करोड़ की जनसंख्या खुद सोचो पार्लियामेंट में बैठी है। थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, 140 करोड़ की जनसंख्या पूरे पार्लियामेंट में बैठी है और सब एक डिसीजन लेना चाहते। मच्छी बाजार तो दूर, पहली बात तो ये इम्पॉसिबल, 140 करोड़ लोग बैठ ही नहीं सकते, इतनी सारी जनसंख्या एक जगह पर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो पहला पॉइंट तो यही कि इम्पॉसिबल है। चलो मान लेते ये हो भी गया, भगवान ने चमत्कार कर भी दिया कि एक जगह पे 140 करोड़ लोग बैठ गए लोकसभा के अंदर, बट क्या लोगों के पास टाइम है? क्या लोगों के पास स्किल है? क्या लोगों के पास कैपेबिलिटी है? क्या लोग एक दूसरे और तीसरे रिलीजन के मतभेदों को मानकर एक कलेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी। सब अपने अपने टाइम में व्यस्त है, सब अपने अपने वर्क में व्यस्त, कोई भी ये नहीं चाहता कि हम वहां जाए। इससे अच्छा हो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर दूसरे लीडर्स को इलेक्ट कर लिया, वो डिसीजन लेंगे, काम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यही है कि ऑल्सो सिटीजन डज नॉट हैव द डिजायर स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजंस। नहीं है उनके पास स्किल्स वगैरह। तो आई होप ये छोटा सा टॉपिक चुन्नू मुन्नू सा क्लियर हो गया होगा, पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स आपको नीचे गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।